हो गया फिलहाल मित्र लोगों चालान यार, ये सेट क्या करे यार। चले फिलहाल मित्र लोगों फाइनली अपने मोनी भाई जो कि आईटीवी जवान ट्रेनिंग से ही आज कल चल रहे, मेहनत करते रहो। हाँ। मेहनत करते रहोगे तो आप मतलब एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। सक्सेसफुल ठीक है, पहुंच चुके चंपावत के मार्केट में। और बादलों का व्यू भी कई तगड़ा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ नजारा है। ये लोग अपने बिरादर के मिल चुके हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? अमित सिंह मंडराल। जय दोस्तों, राम राम, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 2। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल मित्र लोगों का फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की नचिन वादियों के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर अन्ना में। तो फिलहाल मित्र लोगों शुरू करते हैं एक नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से 2 बजे से और फिर से घर चलिए। तो फिलहाल आज मैं ऐसे जा रहा हूँ भ्रमण करने, और वो भी चंपा। तो लगभग हम होंगे 7-8 भाई लोग। तो अपने मोनी मयंक मंडराल अपने भाई आ चुके हैं, मतलब फर्स्ट छुट्टी आईटीबीपी से। तो आईटीबीपी में भाई है आजकल, तो फर्स्ट छुट्टी आए हैं ट्रेनिंग करने के बाद। तो उनके साथ चल रहे हैं भ्रमण में, कई टाइम बाद भाई के साथ एकदम इन्जॉय किया कुछ पलना, बहुत टाइम बाद। चलते फिलहाल मित्र लोगों, बने रहिए ब्लॉग में, आइए। चले फिलहाल मित्र लोगों निकल पड़े सीधे भ्रमण में। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं सन्नी, एक जगह है नरसिंहनाड़ा के आगे खेतीकान क्षेत्र में पड़ती है। तो फिलहाल अभी हम 9 भाई लोग हैं, 3 आगे की स्कूटी में, 3 उसके पीछे, 3 अभी हम हैं। सबसे आगे आशीष भाई, बॉबी दा कुश भाई, और उसके पीछे आयुष भाई, मयंक भाई, MJ भाई, और उसके हमारे पीछे में करण भाई, हमारे पीछे सरभ भाई, और मैं। फिलहाल चल रहे सीधे भ्रमण में, ले चलते आपको फिर से आगे को, बने रहिए, दिखाते फुल व्यू नज़ारा, फुल इन्जॉय। चले फिलहाल मित्र लोगों फाइनली हम चंपा से समथिंग 10-15 किलोमीटर पीछे हैं। फिलहाल अभी हम जिस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम है पुनावे। तो यहाँ की जगह कुछ इस प्रकार के, ये देखिए फिलहाल मित्र लोगों, यहाँ पर मंदिर भी है, जय माता दी ये, और वहाँ की ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। फिलहाल देख सकते हैं आप लोग चंपा से 10 किलोमीटर पीछे का जो गाँव है, इस प्रकार का है ये, ये देखिए फिलहाल। और यहाँ पर इस जगह जगह में स्कवर बन रहे, तो ऐसे गड्ढे बनाए हैं ये। आप लोग भी जो राइडिंग करोगे तो आराम से कीजिए, आराम से। और बाकी सामने का जो व्यू है वो जिस प्रकार का है ये। चलिए फिलहाल ले चलते फिर से आगे को, बने रहिए। चलिए फिलहाल मित्र लोगों फाइनली पहुँच चुके हैं पुनावे से आगे के गाँव में। इस गाँव का नाम है लल्ला पानी। ये देखिए यहाँ से चंपावत मात्र 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का कुछ क्षेत्र, कुछ नज़ारा कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये हल्की फुल्की चंपावत की मार्केट है। तो फिलहाल यहाँ से हम सीधे ले चलते हैं आपको चंपावत की तरफ। चले फिलहाल मित्र लोगों फाइनली पहुँच चुके हम सीधे चंपावत। तो फिलहाल चंपावत का स्टार्टिंग का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं ये। फिलहाल चल रहे हैं हल्के हल्के कदमों के साथ, आपको आगे का सीन, आगे का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए फिलहाल जिस लोकेशन में अभी हम पहुंच चुके हैं, इस लोकेशन का नाम है भैरव चौहा, किसे भैरव चौराहा। ये देखिए फिलहाल अभी हम खाली ऐसे चंपावत में भ्रमण है हमारा मोनी भाई के साथ। मोनी भाई बीच वाली गाड़ी में बैठे हैं, तो अभी हल्का फुल्का मोनी भाई के पास भी ले चलेंगे आपको। तो फिलहाल ये कुछ नज़ारा है चंपावत मार्केट का, ये देखिए। और यहाँ पर पंकुदा की बेकरी भी है, आप लोग जरूर संपर्क कीजिए जो चंपावत से हैं। ये देखिए बेचना सरब, ये है शायद पंकुदा की बेकरी, आप लोग जरूर आइए। अभी तो फिलहाल चल रहे हैं पंकुदा की बेकरी का भी एकदम फुल ब्लॉग बनाएंगे। और बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं चंपावत के तिराहे में, ये देखिए। चले फिलहाल फिर से चलते आगे, पहुंच चुके चंपावत के मार्केट में। कई टाइम बाद चंपावत फिर से हमारा भ्रमण हो चुका है, तो हमने सोचा ऐसे लोहाघाट वोहाघाट घूमने से अच्छा एक राउंड घर से चंपावत निकले, तो चंपावत घूम के जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर है चंपावत का बस स्टेशन। फिलहाल चलिए बाकी देखते हैं कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे हम आपको नज़ारा दिखाते रहेंगे। हमने सोचा कि अगर चंपावत आए हैं तो बस स्टेशन के पीछे खड़े होकर क्या यहीं से हल्का फुल्का व्यू दिखाते हैं। ये फिलहाल है चंपावत का बस स्टेशन, और बादलों का व्यू भी कई तगड़ा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ नज़ारा है ये। और यहाँ देखिए यार, ये
कई खतरनाक है एकदम ना, मजा आ गया यार। यही है चंपावत का बस स्टेशन, चलिए फिलहाल यहाँ से भी चलते हैं। फिलहाल मित्र लोगों अभी हम पहुंच चुके हैं सीधे चंपावत के क्या कहते हैं पेट्रोल पंप के पास। आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये चंपावत का पेट्रोल पंप, ऐसे भी देख सकते हैं ये कुछ नज़ारा है। दादे भाई की स्कूटियाँ फिलहाल पेट्रोल डालने के आ चुके हैं हम। ये है चंपावत का पेट्रोल पंप, ये देख सकते हैं फिलहाल दादे भाई हमारे साथ। ये चलिए तेल डला लेते हैं फिर बाकी चलते हैं। ये फिलहाल मित्र लोगों अपने बिरादर के मिल चुके हैं। क्या नाम है भाई आपका, क्या नाम है आपका? अमित सिंह मंडराल। अपने कहाँ से, मतलब वैसे आप मानर के हुए कहाँ रहते हो आप? बलाई। अच्छा, ये अपने ही मंडराल है, अपने ही मतलब जात के तुम्हारे जमीन में है वो। चले फिलहाल मित्र लोग अपने बिरादर के मिल चुके हैं, चले फिलहाल चलते हैं भाई। ओके भाई चले। चले फिलहाल मित्र लोगों आए तो हम उस साइड लल्ला पानी वाले रोड से, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं लोहा घाट से, तो देखते हैं फिलहाल आगे कुछ अनहोनी ना हो यार, चालान हलान का सिस्टम ना। मानेश्वर में अगर देखते अगर होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यार ना, भ्रमण में चालान हो गया तो। चलिए बाकी आप लोग अगर कोई पुलिस वाला ये रील देख रहा था, चालान मत काट मतलब इस बार अगर काट भी दोगे तो अगली बार से मत काटना, फिलहाल यही कहना चाहेंगे। बाकी हम चलते हैं फिर से आगे को। हो गया फिलहाल मित्र लोगों चालान यार, ये सेट क्या करे यार ये। अब सभी भाई लोग निराश हो गए, क्या सोचा क्या हो गया, आए थे भ्रमण करने, हो गया चालान मित्र लोगों। चले फिलहाल चालान हलान तो चले रहता है, बाकी हम चलते सीधे यहाँ से घर को। दिक्कत पानी हो चुकी है ना चालान का, क्या करे यार। चले फिलहाल मित्र लोगों फाइनली अपने मोनी भाई जो कि ITV जवान ट्रेनिंग से ही आजकल ही छुट्टी आए हैं, तो मोनी भाई कैसा लगा आपको घर आके? सबसे पहले बहुत बढ़िया लगा घर आके, और मतलब कुछ कहना चाहोगे कुछ जनता के लिए, मतलब कुछ मेहनत? भाई लोगों मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे तो आप मतलब एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। सक्सेसफुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोनी भाई का। और मतलब छुट्टी कितने आए हो आप? यही भाई बस 10-15 दिन की छुट्टी आई है। बाकी मोनी भाई से मिलके बहुत टाइम बाद काफी बढ़िया लगा। मोनी भाई आपको कैसा लगा ग्रुप में एकदम? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया भाई, पहला दिन है आज मतलब छुट्टी आ रहे हुए तो मतलब बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोनी भाई का। और कुछ कहना चाहोगे चैनल को? भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत ज्यादा मतलब शेयर करो, फैन फॉलोइंग बनाओ इसकी भाई की। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनी भाई का। ये अपने मोनी भाई ITV पर जवान, तो आज चले ट्रेनिंग पूरी करके मतलब छुट्टी आए थे 15-20 दिन की, तो आज फर्स्ट दिन था, काफी बढ़िया एंजॉय भाई के साथ। चले फिलहाल मित्र लोगों बने रहिए फिलहाल ब्लॉग में। टाइम और अभी लगभग 6:30 से ज्यादा मतलब 7 बजने वाले हैं, बाकी सभी भाई लोग यहाँ पीछे हैं। तो फिलहाल अभी हम हैं खूना बोरा के क्षेत्र में, तो फिलहाल लोहा घाट से हम घर को जा रहे थे, तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से हल्का फुल्का यहाँ पर ऐसे ही, कभी फोटो शूट कभी ऐसे ऐसे कई मजे लिए थे, तो बाकी फर्स्ट क्लास, चलते सीधे यहाँ से घर को, बने रहिए। चले फिलहाल मित्र लोगों फाइनली पहुँच चुका मैं घर, टाइम और अभी 9, तो मतलब ऐसे ही घूम करके भाई फर्स्ट क्लास एंजॉय लेते हुए आ चुके हैं घर। तो फिलहाल मित्र लोग इसी के साथ आज का ब्लॉग जो था यही था, आशा करता हूँ कि आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।